और बेटा क्या कर रहा है और उसे कहो कि तुम्हारे डैडी ने तुम्हें याद किया है। अच्छा साहब अभी बुलाता हूँ, जाओ जल्दी आओ। मेरे दूसरे कारोबार के बारे में अगर मेरे बच्चों को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, इसीलिए मैं अनवर और सलीम बेटे को भाई अजीज के घर 2 दिन के लिए भेज देता हूँ और नौकरों को भी 2 दिन की छुट्टी दे देता हूँ। जी डैडी, आपने मुझे याद किया। हाँ बेटे, वो ऐसा करो, मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स आने वाले हैं, तुम ऐसा करो कि 2 दिन के लिए भाई अजीज के घर चले जाओ, हैं? ताकि उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। बेटे ठीक है डैडी, जैसे आप चाहें। वैसे मेरा भी बहुत दिनों से जी चाह रहा था कि मैं अंकल अजीज के घर से हुआ। तो डैडी मैं जाऊं, अपनी तैयारी करूं। हाँ जाओ, और सुनो तुम्हारे भाई सलीम से भी ये बात कह। अच्छा डैडी ठीक है, खुदा हाफिज। अगर ये दोनों भाई अजीज के घर चले जाएं तो कल के प्रोग्राम में एंजॉय करेंगे। हेलो डैडी, डैडी आप क्या बातें कर रहे थे आपस में? हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि तुम और तुम्हारे भाई अनवर जी दोनों कल भाई अजीज के घर चले जाना। डैडी मेरे स्कूल में म्यूजिकल प्रोग्राम है, उसमें मेरा आइटम है। हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ जाओ, आइटम करो, लेकिन उस आइटम के बाद भाई अजीज के घर चले जाना है। ओके डैडी ठीक है, यही सही। देखो ऐसा करो कि इस प्रोग्राम के लिए तुम लोग अपनी तैयारी करो, मैं जरा आराम करूँ। ओके डैडी। गजब हो गए छोटे साहब, तारे की एक रात पानी फिर गया। क्या बात है माली, इतने परेशान क्यों हो? अरे छोटे साहब, मैंने जो खूबसूरत गमले बनाकर रखे हुए थे ना, मिर्जा की बकरी आई और सारे गमलों का सत्यानाश करके चली गई, उसके तो कुछ बचे हैं मेरे पास। तुम भी तो मिर्जा की बकरी से दूध निकालकर पी जाते हो, वो अक्सर डैडी से तुम्हारी शिकायत करने आता है, वो तो मैं ही हूँ जो बात को गोल मोल कर देता हूँ। अरे सलीम साहब, मैं तो उसकी बकरी का सिर्फ थोड़ा सा दूध निकाल के पीता हूँ, लेकिन वो तो मेरे सारे गमलों के फूल और पत्ते खाकर चली जाती है। तुम मिर्जा की बकरी का दूध निकालकर पी जाते हो, वो तुम्हारे गमले खराब कर देती है। हिसाब बराबर हुआ ना? बातों बातों में ये बात तो भूल गया, मुझे तो अंकल के घर जाना है, तैयारी भी करनी है, वरना डैडी खफा हो जाएंगे। ये बात वाली वही प्यार किया तो डरना क्या, समझ गया सरबू?
जाओ जल्दी लेकर आपके सीट लाता हूँ। अबे ओए, अबे ऐसे हुक्म जमा रहा जैसे मैं तेरे बाप का नौकर हूँ। नहीं लाता कैसे, चल जा। अरे यार सबू तुम तो नाराज हो गए, जाओ ना जाओ, मुझे क्या कैसे, मुझे थोड़ी इनको चाहिए इनको। क्या कैसे आपको चाहिए? हाँ जी, मेरे बेगम साहिब ने कैसे मंगाई है, फिर हम देखे शाम को वापस कर देंगे। आखिर तो हम आप लोगों के पड़ोसी हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं, पड़ोसियों का तो पहले हक होता है। अरे आप कहे तो एक क्या पूरा रेम्बो सेंटर उठा के ले आओ। यो ये तो अपना टांका फिट करने के चक्कर में है। आप बैठे, मैं अभी आ रहा हूँ। ओ मैं भी किन बातों में लग गया, तुम यही ठहरो। आज मिर्जा की बकरी की मैं ऐसी खबर लूंगा जो याद रखेगी, हमेशा आकर मेरे कमले खराब करके चली जाती है। क्या हुआ माली, ये मिर्जा साहब की बकरी का क्या जिक्र हो रहा है? मिर्जा साहब तो मेरे साहब है, उसकी बकरी ने तुम्हारे ऐसा कौन सा नुकसान कर दिया? ओहो ऐसे पूछो जैसे तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। अरे मिर्जा की बकरी ने मेरे सारे कमलों का तकीना किया है। अच्छा तो वो तुम हो जो मिर्जा की बकरी का सारा दूध पी जाते हो? जब वो मेरे कमले खराब करेगी तो मैं उसकी बकरी का दूध पी जाया करूंगा। तभी लड़ाई किस बात की, साहब बराबर हुआ क्या होगा? अबे लड़का है कौन है? ये है प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है, कब लाओगी? जब तुम कहोगे तब ले आ। शाम को आना, शाम को कोई नहीं होता है। क्या बड़ा सियाण है उसका, तू तेरे से कम हो। शर्फू जी साहब, तुम दोनों यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बातें कर रहे हैं ऐसे। अरे बातें, अच्छा बातें कर रहे हो, तो ऐसा करो शर्फू तुम्हें इस घर की सफाई कर लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से, और अली तुम्हें गार्डन की। अगर तुम लोगों ने इस घर की अच्छी तरह सफाई की तो मैं तुम्हें 2 दिन की छुट्टी दे दूंगा। ऐश करना है? आप बेफिक्र रहे साहब, मैं घर की सफाई ऐसी करूंगा सारा कचरा उठा के बाहर फेंक दूंगा। आप बेफिक्र रहे सरकार, मैं गार्डन को ऐसा साफ करूंगा कि गार्डन गार्डन हो जाएगा। बहुत अच्छा, चलो फिर तुम दोनों अपने अपने काम से लग जाओ। शाबाश। और जी
शौक? शौक? ये कैसे शौक? खान भाई, यही तो हमारा शौक बचपन से लेकर बड़े बन चल के ये पुष्ट पर पुष्ट चलते आ रहा है। ये पुष्ट पुष्ट क्या है? नजदीक खड़ी सचिन, ये पुष्ट पुष्ट क्या है? बोलती ये पुष्ट पुष्ट क्या है? बकरी, तेरे को बोलती ये पुष्ट पुष्ट क्या है? बकरी, मुझे बकरी? अरे खान भाई, अपने आप को देखो, तुम अखरोट कहीं के? अखरोट कहीं के? अरे मेरे को अखरोट बोलता है? चाचा की पैदाइश मेरा, मैं तेरे को बताती हूँ मैं क्या। जान से नहीं बचा मर कर। बेवकूफ।
असलहा आ रहा हो या पाउडर, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। ओके बॉस, मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही करो। माल जैसे ही सेठ नबी के गोदाम पहुंचे मुझे टेलीफोन पर इत्तला करो, जाओ। ओके बॉस, जैसे आपका हुक्म। ओके, तुम जा सकते हो। Thank you.
से पानी पिला देना प्यार से। अरे मिर्जा साहब आने तो दे, अल्लाह की कसम बड़े प्यार से सोफे पे बिठाऊंगा, बड़े प्यार से उसको पानी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा। और ना अब हंसना जरा, बड़े प्यार से ना उसके गले पे छुरी पहनूंगा। कम बगत वाले मेरी बकरी के ऊपर छुरी चलाओगे? अरे घबराए नहीं, सिरी पाए रखूंगा, गोश सारा आपको दे दूंगा। और बड़े प्यार से बड़े भैया मुझे बड़े ना क्या बड़े भैया मुझे कम बगल वाले आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बताएं, ठीक है? हाँ, तो ये हुई ना बात।
फिलहाल तो तुम ऐसा करो, जाओ मेरा नाम लेकर उन्होंने साहब को बुला लो। ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है और आप आई कहाँ से? मेरा नाम रेहाना है और मैं तुम्हारे अनवर साहब के साथ कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, आप है रेहाना, कॉलेज में पढ़ती। बैठे बैठे बैठे, मैं अभी अनवर साहब को बुला के लाता हूँ। अनवर साहब आ जाए, वक्त आ गया आपका।
जिनको अब भी नहीं पहचाना तो यही हालत होती जाएगी। लाखों रुपया का नुकसान हो गया। न जाने इंस्पेक्टर काशिप का बच्चा कहां से टपक पड़ा, कहां से टपक पड़ा इंस्पेक्टर का बच्चा। बस क्या बात है जानू, तुम इस वक्त यहाँ खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है बॉस, अपना सारा माल पकड़ा गया। क्या भक्त हो जानू? भक्ता नहीं हूँ बॉस, भक्ता नहीं हूँ। हमारी मुखबरी हुई है बॉस, हमारी मुखबरी। किसने की है ये मुखबरी? कौन है वो गद्दार? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। न जाने कौन है वो गद्दार जिसने हमारी मुकम्मल रिपोर्ट पुलिस तक पहुंचाई है। इंस्पेक्टर काशिफ की सरबराही में वहां पर पुलिस की नाकाबंदी थी बॉस, इसलिए हम माल को न बचा सके। अपना एक आदमी शानू भी पकड़ा गया है बॉस, शानू भी पकड़ा गया। इंस्पेक्टर काशिफ शायद तुम ये समझते हो कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो इंस्पेक्टर। नहीं, ये तुम्हारी भूल है इंस्पेक्टर, ये तुम्हारी भूल है। तुमने जलती हुई आग पर पेट्रोल छिड़का है इंस्पेक्टर। मैं इसी आग के शोले में तुम्हारे खानदान को जलाकर भस्म कर दूंगा इंस्पेक्टर। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे इंस्पेक्टर, नहीं छोड़ूंगा। बस अपना शानू का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस के मार्केटर से वो हमारे खुफिया अड्डों का पता बता दे। कुछ नहीं होगा जानू, मैं उसे जल्द से जल्द छुड़ाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ राजा साहब को टेलीफोन करने की देर है जानू। वो शानू वाला मामला खुद ही संभाल लेंगे। बस अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हारे लिए ये हुक्म है जानू, तुम कुछ दिनों के लिए रूपोश हो जाओ जानू। अपने कब्रिस्तान वाले पुराने अड्डे पर जाकर जब तक मैं फोन न करूं यहां आने की कोशिश मत करना। अब तुम जाओ। ओके बॉस जी, जैसे आपका हुक्म। विश योर बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक।
मैंने तुम्हें कहीं देखा नहीं। बस अंकल मसरूफियत ऐसी कभी कभार आना होता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा ये बताओ कि अनवर साहब ने मुझे बताया था कि मेरे दोस्त अमेरिका जा रहे हैं, शायद आप ही अमेरिका जा रहे हैं। जी अंकल बिल्कुल आपने सही सुना। अमेरिका के किस से जा रहे हैं आप? अंकल पहले तो हम न्यूयॉर्क जाएंगे। अच्छा। उसके बाद हॉस्टल जाएंगे। हाँ। अंकल हॉस्टल में हमारे कुछ अजीज भी रहते हैं, इसलिए हमारे रहने का भी कोई मसला नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, अच्छी बात है बेटे, बहुत खुशी की खबर है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए। अंकल आपके लिए? भला वो कैसे? भाई तुम न्यूयॉर्क तो जा ही रहे हो, वहाँ मेरे दोस्त को एक तोहफा भेजना है। वैसे तुमको जहमत तो होगी। अंकल इसमें जहमत की कौन सी बात है, आपका काम करके तो हमें बड़ी खुशी महसूस होगी। और हम तो वैसे भी वहीं जा रहे हैं जहाँ आपका दोस्त रहता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो कार्ड, इस पर इसका पूरा पता लिखा है और ये बैग है, ये उसे दे दे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें अंकल, हम इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाएंगे। जी वैसे अगर ये मेरा काम कर दोगे तो तुम लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी मुझे। अंकल इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है, आपका काम करके तो इंशाल्लाह हमें खुशी महसूस होगी। अच्छा अंकल अब हमें इजाजत दीजिए, अभी तैयारी भी करनी। अरे भाई बैठे चाय तो पीते जाएं। बस अंकल बहुत जल्दी हमें, आप अनवर को बता दीजिएगा। अच्छा खुदा खुदा पता नहीं कहां मर जाते हैं, मैं खुद चाय बना कर लाया हूं। डैडी ये कहां गए? चले गए बेटे, बड़ी जल्दी में थे तुम्हारे दोस्त। चले गए? हाँ। चाय पिए बगैर? हाँ बेटा। डैडी मैं खुद बना कर लाया था। चलो खैर, अजीब किस्म के लोग हैं यार। सलाम अलैकुम सेठ साहब। सलाम अलैकुम सेठ साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई तुम कहाँ हो एजाज खान, काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? साहब वो मेरा बेटे का तबीयत बहुत खराब। अच्छा। डॉक्टर बोलती है हाँ। इसको ऑपरेशन होएगा हाँ। और इसको ऑपरेशन के वास्ते हाँ। हमको रकम की जरूरत है साहब। जब मतलब पड़ता है तो सेठ याद आ जाता है तुम्हें। जाओ पहली तारीख को तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, अपनी तनख्वाह ले जाना। साहब मेरे तनख्वाह में से एडवांस दे दो साहब, आपको बहुत बहुत एहसान होएगा। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे खान। ये लो 5 रुपए और दे दो अपने बेटे को। नहीं चाहिए साहब हमको 5 रुपया, नहीं चाहिए। किसी को उसका खून पसीने का पैसा देने में भी दिल दुखता है तुम्हारा। तुम बड़ा लोग अगर किसी को खैरात भी देता है जैसा, उस पर बहुत बड़ा एहसान करता है। करा अगर खैरात ही देना है तो इतना दियो कि गरीब की जरूरत तो पूरा हो जाए। हाँ हाँ हम इसलिए बैठे हैं कि तुम्हारी जरूरतें पूरी करते रहे। बाबा मुझे बहुत सर्दी लग रही है बाबा, बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है बाबा। नहीं बेटा नहीं बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा, सब तुम अभी अच्छे हो जाएगी पैसी, तुमको कुछ नहीं होगा। सेठ साहब सेठ साहब खुदा का वास्ते सेठ साहब मेरा मदद करो, नहीं तो मेरा बेटा तो नहीं है। ओहो खान तुम फिक्र क्यों करते हो, मैं जो हूँ वो फिर भी अगर पैसे
आदमी है। बहुत ही अच्छे। मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
में मैं हमेशा 50 रुपए देता रहूं। अरे मेरा भी एक जमाने में बड़ा नाम था, अरे कल्लल पकोड़े वाला, किसी से भी जाओ पूछो। देखो यहाँ से चले जाओ वरना आज तो मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर, जाओ यहाँ से। अरे आज तो अरे सलीम साहब क्या कर रहे हैं ये? सफू इसे धक्के देकर बाहर निकाल दे, ये यहाँ भीख मांगने चला आता है। सलीम साहब ये तो मेरे वालिद हैं। क्यों मजाक करते हो सर? नहीं सलीम साहब ये सच है। ये हीरोइन तुम्हारे वालिद साहब कैसे हो सकते हैं? तुम तो कहते थे कि मेरे वालिद साहब ज़ईफ हैं, वो अक्सर बीमार रहते हैं, वो बिस्तर से उठ नहीं सकते। फिर अरे तो सलीम साहब क्या मैं क्या सब दुनिया को कहता फिरता कि मेरा बाप हीरवन पिता है? अरे आपको इस दुनिया का नहीं पता, ये दुख में किसी का साथ नहीं देती, सुख में साथ चलती है सलीम साहब। और ये जब चोटे मारती तो मुझसे बर्दाश्त ना होता सलीम साहब, बर्दाश्त ना होता। तुम अपने बाप का इलाज तो करवा सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? इलाज कैसे कराऊं सलीम साहब, मेरे पास पैसा नहीं है। पागल डैडी से पैसे मांग लेते। आपके डैडी से पैसे मांगे थे सलीम साहब, उन्होंने मुझे पैसे के बजाय धक्का दिया और तुक्तार दिया मुझे सलीम साहब, तुक्तार दिया। तुमने डैडी से ये कहा था कि मेरे वालिद हीरोइन के आदी है और इनके इलाज के लिए पैसे की जरूरत है? नहीं सलीम साहब, मैंने उन्हें कहा था मेरा वालिद बीमार है। देखो ये तुम्हारी गलती है, अगर तुम वालिद से सही सही बात करते तो वो तुम्हें पैसे जरूर दे देते। अच्छा तुम ऐसा करो अपने वालिद साहब को घर ले जाओ बाबा, और इसे कहो ये रास्ते में भीख वगैरह ये मांगे ना। चला मजा खराब किया सारा, उनका माल पकड़ा जाता है और ये
नौकर वगैरह घर आते हैं, आखिर ये क्या चक्कर है? सलीम साहब मुझे क्या पता, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, खैरियत तो है? वो इसलिए कि खबरदार Okay, boss.
बात दरअसल ये है कि जो कुछ तुमने सुना है वो सच है बेटा। लेकिन डैडी आखिर पुलिस सलीम को शर्फ को क्यों लेकर गई? बेटा ये तो मुझे मालूम नहीं है कि उन्हें क्यों ले गई है, अलबत्ता मगर तुम परेशान ना हो बेटा, मैंने अपने वकील दोस्त को फोन कर दिया है, मुझे उम्मीद है कि वो थोड़ी देर में छोड़ देंगे उसे। ठीक है डैडी, अगर वो आ जाए तो मुझे बता देना। हाँ। मैं अपने कमरे में। अच्छा से कहना कि यहां मिले बने की जानू, उन्हें रोजगार का लालच दोगे जानू। हाँ मेरे बाप को नहीं छोड़ेगा, ठीक है मेरे बाप को नहीं छोड़ना, तेरे को अपनी माँ की कसम है मेरे बाप को नहीं छोड़ना। अबे यार तेरे को पता है यार मैं बाप से कितना तांगो, उसको भी मैं यही चढ़ा कर आया हूँ बाप को नहीं छोड़े। जब भी घर में जाता हूँ तेरे को तो पता है नसीहतें करता है, बोलते है बेटा चीटिंग छोड़ दो, कॉलेज में दाखला ले लो, पढ़ो लिखो बड़े आदमी बन जाओ। अब उसको क्या पता, पुराने वक्तों का बंदा, उसको क्या पता कॉलेज में पढ़ाई होती है या सियासत होती है, और स्टूडेंट के हाथ में किताबों के बजाय क्लाशन कॉफी होती है। और फिर कॉलेज से बाबू कोई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन के नहीं निकलता, बड़ा दहशत गर्द और बड़ा लोफर बन के निकलता है। अरे क्या फायदा है ऐसी तालीम का जिसे हासिल करने के बाद हम अपने ही भाइयों के खून के प्यासे हो जाएं, और क्या फायदा ऐसी तालीम का जिसे हासिल करने के बाद हम अपने वतन से गद्दारी करें, और क्या फायदा ऐसी तालीम का जिसे हासिल करने के बाद हम अपनी इस पाक जमीन को बमों और अपने भाइयों के खून से दागदार करें। बस करो खैर मुबारक, अभी इससे तो हम जाहिल ही अच्छे हैं यार। बस करो खैर मुबारक। अच्छा हुआ यार तूने जगा दिया, वरना आज मेरा भी जमीर जाग जाता, बेबी शरीफ आदमी बन जाता और फिर भूखे मरते यार। अब ये बता, अबे तू फिर उधर ही ले आया है, अभी उस दिन तू 500 रुपए लेकर गया था, इससे कहीं यहाँ नहीं जाए। अब ये बता अब होगा क्या? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। अबे यार पकड़े ना जाए, बकरी तो यहाँ नहीं आई यार। आई तो थी, सलाम करके चली गई। हाँ ये बकरा है, इसे सलाम करके चली गई कमबख्त मारे को। अरे भाई कहाँ चले गई? अबे हमें क्या पता, लो बकरा खुद ही पूछ रहा है बकरी का। नहीं वो चाचा आप बकरी बेचते हो? अरे भाई मैं बकरी बेचने वाला नहीं हूँ, मेरी खुद की बकरी है, क्या बकरी बेचती है? जी नहीं हम भी बकरी नहीं बेचते। अच्छा तो आप खरीदते हैं? जी हाँ बकरी खरीदते हैं। अबे हमारा बकरियों का शोरूम है तारिक रोड में। लो बकरियों का भी शोरूम, वो भी तारिक रोड पे। क्या ये झूठ कह रहे हैं क्या? हम लोग सच कह रहे हैं तुम्हारा क्या? अच्छा एक बात बताओ चाचा, ये तुम्हारी बकरी अंडा देती है ना? नहीं वो गलत हो गया, गलत हो गया, वो आपकी बकरी मक्खन देती है ना? मक्खन? अरे बेवकूफ, कभी बकरी ने मक्खन दिया? हमारी तो बकरी देती है। हाँ हाँ हमारी बकरी मक्खन देती है, और अभी तो मैंने उसे मना किया वरना वो डबल रोटी भी दे। नहीं खरीदेगा। अरे क्यों नहीं खरीदेगा यार, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप खरीदोगे।
बैठिएगा? यही 2500। 2500? जी हाँ बिल्कुल 2500 सबके। जी हाँ। नहीं यार कम कर ले भैया। चाचा खरीदनी है तो खरीदो वरना सेठ साहब तो अपने हैं ही गाँव। अच्छा देखो चाचा जादूगरी कर रहे हैं। चाचा जल्दी जादूगरी करो यार। एक मिनट एक। इसमें तो कुछ पैसे कम लग रहे हैं। चाचा पैसे पूरे करो बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा। बस ये पूरे है, बस यही पैसे। पैसे वापस दे दे भाई। ये नहीं हमें नहीं बेचना भाई, हमें नहीं बेचना। ये तो 2000 है। बस चलेगा? नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा भी। नहीं नहीं पैसे देने पूरे दो वरना फिर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अरे चाचा क्या कर मेरे डैडी को अपने पिंजरे बन क्या है।
ये पूछो कि क्या नहीं किया है तुम्हारे डैडी ने, हमें लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है, हमारा सारा कारोबार तबाह करके रख दिया है उसे। नहीं अंकल, आपको गलत फहमी हो रही है, अंकल मेरे डैडी बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे कहूंगा वो आपके रुपए दे देंगे। आप खुदा के लिए बस मुझे और मेरे डैडी को छोड़ दे, खुदा के लिए छोड़ दे। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे तुम्हें भी और तुम्हारे डैडी को भी। अगर तुम अपने डैडी से ये कहो कि हमारा माल कहाँ छुपा रखा है तो फिर हम तुम दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है अंकल, मैं डैडी से कहूंगा वो आपका माल दे देंगे, आप बस हमें छोड़ दें। ये हुई ना बात। जानू, यस बॉस, तुम जाओ इसे इसके डैडी के पास ले जाओ, अगर इसके डैडी ने इसकी बात ना मानी तो उसे वही बता देना कि इसके बेटे के साथ हम क्या हश करने वाले हैं। आप बेफिक्र रहे बॉस, इस कमबख्त के बच्चे को उसके बाप के पास छोड़कर सबसे पहला काम यही करूंगा। ओके बॉस। जब तक शौकत की तरफ से कोई खबर ना आ जाएगी तो अब तुम यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जानो, जाओ जाओ जल्दी से मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे पास ले आओ, जाओ। आप बेफिक्र रहे बॉस। ओके। सलीम आ गया क्या? हाँ बेटे, अपना वकील दोस्त तो पहुंच गया, अपना वकील दोस्त तो पहुंच गया है, बस वो अभी आता ही होगा बेटा। डैडी आखिर पुलिस से हमारा वास्ता क्या है और पुलिस का यहाँ आने का मकसद? बेटा हम अगर शरीफ लोगों को तंग करने का चक्कर है बेटा, और कोई बात नहीं। डैडी पुलिस तो उन लोगों को तंग करती है जो गलत किस्म का कारोबार करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा, क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? बिला वजह मुझे परेशान कर रहे हो, जाओ तुम अपना काम करो। ये क्या हो गया? कारोबार के बारे में बच्चों को बताइए। अगर मेरे कारोबार के बारे में मेरे बच्चों को पता चल गया तो फिर क्या होगा? आओ आओ इंस्पेक्टर काशिफ, बहुत इंतजार कराया तुमने। मतलब की बात करो सेठ फारूक। कहना ये था इंस्पेक्टर काशिफ कि तुम क्यों अपनी जिंदगी के पीछे पड़े हो? मुझसे दुश्मनी का अंजाम शायद तुम्हें मालूम नहीं है इंस्पेक्टर। खैर छोड़ो 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 इन बातों को, तुम हमें सच सच बता दो इंस्पेक्टर कि हमारा माल कहां छुपा रखा है तो हम तुम्हें छोड़ भी देंगे और इनाम भी। अगर तुमने नहीं बताया तो फिर क्या मार डालोगे मुझे? मार डालोगे? मार डालो? मार डालो मुझे? नहीं 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 इंस्पेक्टर नहीं, इतनी आसान मौत मैं तुम्हें नहीं मारूंगा इंस्पेक्टर, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं इंस्पेक्टर। मुझे समझाने के बजाय खुद क्यों नहीं समझते हो कि खेल का नहीं काम करने का अंजाम क्या होता है? पुलिस तुम्हारे ताकत में है और दूसरी जानिब तुम्हारे बेटे को पकड़ कर ले गई है। अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया मुझे इंस्पेक्टर, मेरा
उसके बदले में मैंने तुम्हारे बेटे को भी अगवा करा दिया है इंस्पेक्टर। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे। इसका मतलब है तुम्हारी उससे मुलाकात नहीं हुई है इंस्पेक्टर। खैर हो जाएगी। बेचारा बहुत रो रहा था इंस्पेक्टर, अपने डैडी को याद कर रहा था इंस्पेक्टर। मैंने उसे तुम्हारे पास भिजवा दिया इंस्पेक्टर के वो तुम्हें समझाए कि हमारे माल का पता बता दो। अब तुम दोनों को छोड़ देंगे। मैं तुझे कितनी बार समझाया हूं, तुम्हारा माल शेर में नहीं। तुम्हारा माल शेर में नहीं है। अरे उतार के लिए सेठ पारू, मेरे मासूम बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे मासूम बच्चे को। अरे तुझे जितना तलब करना है बच में करो, बच में करो, मगर मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरा माल इस शहर में नहीं है इंस्पेक्टर। ठीक है ठीक है, तो फिर कान खोल कर सुन लो इंस्पेक्टर, तुम्हारा बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहेगा। नहीं, 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 तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। तो फिर माल का पता बता दो। मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैंने तुझे पहले ही कहा था, मुझे इस सोनी धरती की कसम, उस प्राण पाक की कसम जिसमें मैंने अल्प उठाया था, इस पाकिस्तान के खातिर, इस वफादारी के खातिर, इस कुर्बानी के खातिर, इन शहीदों के खातिर, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, और मैं तुझे कभी भी नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं बताऊंगा। अगर सजा देने के बावजूद भी इसने कुछ नहीं बताया तो फिर फार्मूला नंबर 29 ऊपर खत्म कर दो इसे, और इसके घर को आग लगाकर इसके बीवी बच्चों को भस्म कर दो, जला डालो इसे, तब मेरा सीना ठंडा होगा शौकत, तब मेरा सीना ठंडा होगा। तो सेठ साहब समझे आपका काम हो गया, और फिर कुछ नजरें हमारी तरफ भी होनी चाहिए सेठ साहब। समझा, मैं समझा, मैं समझा। ये लो रख लो, इसे एडवांस समझना, काम हो जाने पर और भी मिलेगा शौकत। आप बहुत अच्छे हैं सेठ साहब, बहुत अच्छे। इसे कमबख्त ढीर से वास्ता पड़ा है, लगता है इस इंस्पेक्टर के बच्चे का भी टाइम पूरा हो गया। तुम? हाँ सेठ, हम अब यहां क्या लेने आए हो? मातम करने आए हैं अपनी बर्बादी का। लेकिन तुम्हें यहां आने की इजाजत किसने दी? हमारी तरफ गौर से देखो सेठ, हम वही तालिब इल्म हैं जिन्होंने अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए एक सोना ख्वाब देखा था, लेकिन तुमने अपने मजमूम मकासद के हुसूल के लिए उस ख्वाब का शिराजा बिखेर कर हमें तबाह कर दिया सेठ, तुमने हमें बर्बाद कर दिया सेठ, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। अब इस बकवास का कोई फायदा नहीं है। फायदा? तुम्हें तो हर चीज में फायदा नजर आना चाहिए। क्या फायदा मिला तुम्हें, क्या फायदा मिला तुम्हें जब तुम्हारा हीरोइन से भरा हुआ ब्रीफकेस पकड़ा गया और हमें हमें सजा हो गई, मुस्तकबिल तो हमारा तबाह हुआ, जिंदगी तो हमारी बर्बाद हुई, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे।
मुझे भी हुआ है, लेकिन हम इतने छोटे मोटे नुकसानों की परवाह नहीं करते। तुम लोग अगर चाहो तो तुम्हारा मुस्तकबिल भी अच्छा हो सकता है। क्या फिर किसी हरबन से भरे हुए ब्रीफकेस को किसी जगह पहुंचाना पड़ेगा सेठ? तुम ठीक समझे, मैं तुम दोनों को अच्छी से अच्छी तनख्वाह दूंगा, जब तक मेरे लिए काम करते रहोगे ऐश करो। वरना 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 क्या, कुत्ते की मात मारे जाएंगे। तुम बहुत समझदार हो। बहुत खूब सेठ, हमारा मुस्तकबिल तारीख करने के बाद भी तुम्हें चैन न मिल सका तो अब तुम हमें पूरी तरह से अंधेरे कान में धकेलना चाहते हो, जिसमें तुम खुद पूरी तरह गर्दन तक फंसे हुए हो। काश तुम हमारे दोस्त तलवार के बाप ना होते तो हम तुम्हारा गला घोंट कर इस दुनिया से तुम जैसे गद्दार का वजूद हमेशा के लिए खत्म कर देते। क्या बकते हो लड़के? हम बकते नहीं सेठ, हम बकते नहीं, सच उगलते हैं। शेष की जिंदगी तुम्हें मुबारक हो, लेकिन याद रखना अब तुम्हारा अंजाम मौत होगा। अब कानून तुम्हारे पीछे है, तुम अभी नहीं बच सकते। बकवास नहीं चाहिए मुझे, और निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं अपने आदमियों को बुलाकर तुम्हारी खाल में खिंचाकर इसमें बुस भर दूं। निकल जाओ यहां से। हम जा रहे हैं सेठ। गेट आउट। लेकिन तुम भी अपने अंजाम के लिए तैयार रहना। और तुम्हारा अंजाम अब ज्यादा दूर नहीं, बहुत करीब है। गेट आउट। कुत्ते कमीने जलील। जीती रहो बेटी। अच्छा तो आप तुम
एक ही कॉलेज में पढ़ते हो? अच्छा ऐसा करो कि तुम लोग यहाँ बातें करो, मैं जरा सलीम और शर्फू से मिल रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है। ठीक। अच्छा जनाब, तो ये क्या पिरन? जी हाँ, आपको कोई एतराज? नहीं नहीं, मैं कुछ ये कह रही थी। कुछ कह रही थी, वो भी डैडी से? क्या कहना चाहती है तुम? यही कि हम दोनों के बारे में। हम दोनों के बारे में डैडी से? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुद ही समझा करो ना। अच्छा हाँ, अब मैं समझा। अरे शादी भी हो जाएगी, शादी की इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? फिलहाल तो मेरा किसी अच्छे से होटल में चाय पीने का मूड हो रहा है। नहीं जनाब, चाय नहीं, घर पर। ओ, यानी कि अभी से सेविंग? अंदर प्लीज, पहले मुझे तुम ये बताओ, तुमने अपने डैडी से हम दोनों के बारे में कोई बात की? ओहो भाई, नाराज क्यों होती हूँ? असल में डैडी पिछले दिनों बहुत मशहूर थे, इसलिए बात हो ना सकी। बात हो ना सकी, बात करने का हौसला नहीं है तुमने? ओहो भाई, नाराज क्यों होती हो? बहुत जल्द मैं डैडी से बात कर लूंगा। अच्छा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं। चाय का क्या हुआ, अभी तक नहीं आई? अरे चाय तो मैं भूल ही गया। शर्फू, ओ शर्फू, जल्दी आओ। मालूम नहीं कि रियाना साहब आई हुई है। अच्छा, रियाना साहब आई है? रियाना साहब आई है, आपकी बहन नहीं आई? जरा तो मैंने कहा कि आपकी बहन आई है। अच्छा बात सुनो, जरा बातें मत करो, चलो जाके चाय लेकर आओ। चाय इनके लिए? इनके लिए? इनके लिए? आप अच्छी चाय बना के लाना। जी मैं चाय पीऊंगी। एक नहीं, दो दो लाऊंगा। जल्दी लाना। लीजिए जनाब, चाय तो आ रही है, अब और हुकुम कीजिए। मस्का लगाना तो कोई आपसे सीखे, मगर मैं भी आज पहले बार लेकर चेयर जाऊंगी, क्या समझे? समझ गए जनाब, समझ गए। और हमारे दिमाग शरीर में ये बात आ गई है, और हम भी आज आपको फाइनल जवाब दे देंगे, समझी? लाया लाया चाय, लाया 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 चाय, लाया। ध्यान रख दो, छेड़ते नहीं है ऐसे टाइम पे। बेटा बात सुनो, इधर चाय वाला रखो। दो कप है ना? मैं सावरा को छेड़ूंगा। छेड़े? चलो चाय रखो। रख रहा हूं साहब। जी जी। एक छोटा कप, एक बड़ा। अच्छा, बड़ा कप बड़े लोगों के लिए, छोटा छोटे लोगों के लिए। अच्छा जाओ, चलो दीजिए जनाब चाय पीजिए। जाओ। हाँ बेटा जाओ। और काम तो नहीं है? और काम है, वो बाद में बताऊंगा रात को। चाय ठंडी हो रही है फिर। अच्छा अच्छा, मैं पी लूंगा। लीजिए जनाब चाय पीजिए और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू। साहब सोच ले, कोई काम तो नहीं है? बेटा मैंने कहा ना कि काम है, लेकिन यहाँ सबके सामने बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। मुझे तो नहीं आ रही। आएगी भी नहीं। अच्छा जनाब चाय पीजिए। अच्छा तो ये बताओ, तुम वो डैडी से क्या कहना चाहती थी? मैं कह रही थी कि कब भेज रहे अपने घर वालों को हमारे घर। ओहो, एक तो तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही भूल सवार रहता है। देखो देखो फिर। अरे नहीं भाई, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। टपक पड़े हो वो डैडी खड़ी से? हाँ भाई, दो दिन से मेरी बकरी ने ना कुछ खाया ना पिया। अरे अंकल, क्या डैडी से यही मशवरा लेना था? नहीं, अभी याद आया। हाँ, अरे मेरा बेटा, मैं दो दिन से मेरी बकरी ने ना खाया ना पिया, मेरा सोचा चल के मैं सेठ फारूक से कुछ पूछ लो, जो आखिर में आपका पड़ोसी हूँ ना। तो क्या डैडी से इस किस्म के मशवरे लिए जा रहे? अरे भाई, मैंने सोचा जाकर कुछ ना कुछ जरूर कर आज बता देगा। बहुत खूब। क्या तुम्हारी डैडी जानवरों के डॉक्टर? ओहो नहीं भाई,
फोन पकड़े। मैं बकरा मुझे कह रहा है अंकल, आप तो खामा खामे बिगड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आप मैं काम का बिगड़ रहा हूँ, मैं चाइल्ड हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। अरे अंकल, आपको गलत फहमी हुई है अंकल। आप मुझे गलत फहमी हुई है, मैं बेवकूफ हूँ ना, मैं चाइल्ड हूँ ना। अंकल ऐसी कोई बात नहीं, हम तो आपके बच्चे हैं। एक तो मैं परेशान हूँ अपनी बकरी की वजह से, ऊपर से आप लोग मुझे परेशान कर रहे हो। यार कुछ बताओ ना, आपके डैडी कहाँ है? अरे अंकल, डैडी घर पर नहीं है। फिलहाल आप ये बताएं, क्या आप डैडी से कहीं मशवरे लेने आए थे? हाँ बेटा, अगर मैं पड़ोसी हूँ ना। अच्छा चले इधर। अच्छा इधर आ जाए। अंकल साहब, आप एक दूसरे को मशवरा देते रहिए, हम तो चले। ओके बाय। आप पर गुस्सा होंगे, प्लीज आप जाएं। तुम्हारे डैडी? नहीं नहीं
वो मुझ पे गुस्सा नहीं होंगे, मैं उसे भी लीडर बना दूंगा। हाँ मैं बहुत बड़ा सियासतदान हूँ। हाँ मुझे एक बार आने दो, सबको ठीक कर दूंगा। ओहो बाबा प्लीज आप खुदा के लिए चले जाए, जाया जाए। मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मुझे एक बार आने दो, सबको ठीक कर दूंगा। हाँ आना सबको ठीक कर दूंगा। जाने कैसे कैसे लोग दिमाग खराब कर रहे हैं। तुम मुझसे नाराज हो? मैं नाराज वराज कोई नहीं हूँ, मैं तो तुझसे दिल लगी कर रही थी। क्या? मैं भी तुमसे दिल लगी कर रहा था। मैं तो ना कसम से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ना तुमसे ही शादी करूँगा। सच्ची शर्फू? मुझ साबरा। अरे तो फिर जल्दी करो ना शादी मुझसे, वरना मेरे बाबा उस मूसा से कर देंगे मेरी शादी। क्या? कौन है मूसा? किधर है मूसा? बताओ मुझे मूसा कौन है? मूसा 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 मूसा। ये मेरा कजन है। कजन? और ये कजन क्या है? अरे अंग्रेजी में कहते हैं कजन। ए जंगली कहीं की, मैं ही तुझे मिला था। कजन 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 हाँ वही वही कजन हो या आलू का भजन हो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ शर्फू से होगी। तू सच कह रहा है ना शर्फू? अभी भी झूठ लग रहा है? मेरे बाबा से बात। अरे तो फिर तू कब मेरे बाबा से बात करने आ रहा है? चल अभी चलते हैं। चलना? अभी नहीं शर्फू, मैं अभी नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी बाबा से बात करने, कुछ तो हया कर। चलो कल चले चलेंगे। चलो कल तुम ही जाना, मैं नहीं आऊं। हाँ ठीक है। खुश हो गए ना तुम लोग? पहुंचा दूं? वालेकुम अस्सलाम।
तुम्हें कुछ काम की फिक्र है या नहीं खान? क्यों साहब, क्या बात होगी? अच्छा जरा ये बताओ कि तुम कितने दिन के बाद आए हो? साहब वो 20 दिन के बाद आया साहब। 20 दिन? हम बहुत परेशान थे, मेरा लड़का बहुत बीमार था, अभी वो थोड़ा ठीक हो गया साहब, तो हम ड्यूटी पे आ गया। अच्छा अच्छा भाई, 20 दिन के बाद ड्यूटी पर आने की क्या जरूरत थी? जाओ घर आराम। तुम जाओ 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 घर आराम करो जाओ। साहब मैं आपको मतलब नहीं समझा। भाई मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ खान, तुम अपना कहीं और बंदोबस्त करो। नहीं साहब ऐसा नहीं बोलो साहब, हमको नौकरी से नहीं निकालो साहब, हम अपना बड़ा लड़की का शादी कैसे करेगा साहब? मुझे नहीं मालूम तुम कैसे करोगे अपनी लड़की की शादी, तुम मेरा दिमाग मत खाओ और जाओ। नहीं साहब हम पे ऐसा जुल्म नहीं करो साहब, हमारा बहुत छोटा छोटा बच्चे है साहब, हम किधर जाएगी साहब? तुम जहन्नम में जाओ, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। तुम लोग बहुत आराम पसंद हो गए हो, बस किसी न किसी बहाने पैसे मांगने चले आते हो। नहीं साहब जी ऐसे नहीं बोलो साहब, हम पठान है, हम मुसलमान है साहब, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे साहब, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे साहब, पहले हमको अपना बेटे के वास्ते जरूरत था, अभी हमको अपना बेटी का शादी बनाने के वास्ते जरूरत है साहब, नहीं तो हमने कभी आपसे इस तरह पैसे नहीं मांगे। एक बार मैंने कह दिया खान कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। नहीं साहब खुदा का वास्ते साहब, हमको नौकरी से नहीं निकालो साहब, हमको नौकरी से नहीं निकालो साहब। खान तुम्हें नौकरी से मैं ना निकालूं है? तुम्हें मैं नौकरी से ना निकालूं क्यों? हमको नौकरी से नहीं निकालो साहब, खुदा के वास्ते नहीं निकालो, नहीं नहीं। भाई मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। नहीं साहब हम किधर जाएंगे साहब, हम किधर जाएंगे? सारे मूड का सत्यानाश कर दिया कंबख्त। अच्छा अब
भी रजामंद हो जाओ। मैं तो पहले से रजामंद हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा फिर मैं जा रही। जा रही हो? बस यही बात बताने आई थी। ये कोई बात नहीं। चलो ये कोई इतनी बड़ी बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात सुन। आज जा रही है ना? फिर आएगी ना? एक ही दफा आऊंगी। यही तो मैं चाहता था। अरे सलीम साहब से बात करूंगा, वो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। और किसी से बात नहीं करूंगा मैं। बस मैं जाता हूँ, कुछ पकाता हूँ खाता हूँ। तुम लोगों के मुंह में क्यों पानी आ रहा है? शादी ये नामुमकिन है। आप कुछ नहीं कह रहे डैडी,
अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रियाना से, वरना नहीं करूंगा। अनवर बेटे, अनवर बेटे, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। भाई मैं तुम्हारी शादी अपने एक करोड़पति दोस्त की बेटी से करना चाहता हूँ। बेटा उसके पास इतनी दौलत है कि तुम ऐश करोगे बेटा। प्लीज डैडी प्लीज, मैं आपसे कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा। मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा दिमाग खराब मत करो अनवर। तुम्हारे दिमाग पर उस लड़की के इश्क का भूत सवार है। चले जाओ यहां से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। एक बार आने तो सबको ठीक कर दूंगा। हाँ सबको ठीक कर दूंगा। अरे शाहिद साहब आप यहाँ कैसे? आपको तो मैं अपने कमरे में बंद करके आया था। मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैं तो कहीं भी आ जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहे अंदर हो चाहे बाहर जाओ, मुझे कौन रोक सकता। अरे बाबा तुम फिर आ गए। अली क्या तुम इसे जानते हो? ये साहब मैं जानता हूँ, ये किसी टाइम पे बहुत बड़े सियासतदान थे, बस किस्मत की बदनसीबी इन पर छाई, उल्टे सीधे काम में पड़ गए और पकड़े गए। पुलिस ने इतना मारा कि ये पागल हो गए। क्या इसका इस दुनिया में कोई नहीं है अली? अनवर साहब इसके दो बेटे हैं और एक बेटी है, बल्कि इसी आलम में इसने अपनी बीवी का कत्ल भी कर दिया है। क्या क्या इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया? अली मैंने अपनी बीवी को कत्ल नहीं किया, मैंने तो गफर की बीवी को कत्ल किया। बस बस बहुत हो गया अली, ऐसे लोगों को तो फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अनवर साहब आप तो पुलिस वाले भी से कुछ नहीं कहते, इसलिए तो मैं उसको अपने कमरे में बंद करके रखता हूँ ताकि मेरे दोस्त के घर वालों को तंग ना कर सके। अली ऐसे लोगों को गोली से उड़ा देना चाहिए। इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे मुल्क में दंगा फसाद हंगामे ये सब कुछ हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से बहुत सी माओ की गोदें उजड़ी है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने चंद सिक्कों की खातिर अपने जमीर को बेच डाला है। बेच डाला अपने जमीर को। हाँ हाँ मैंने अपना जमीर बेच डाला है, मगर मुझे अपना जमीर बेचने पर मजबूर किसने किया ये भी तो पूछो। किसने किया? तुम्हारे बाप ने। बकवास मत करो मुजस्सिम शैतान। मेरे डैडी ऐसे नहीं हो सकते, अपने करतूतों को किसी और के सर डालते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अब तो मुझे किसी चीज पे शर्म नहीं आती, मैं पागल हूं ना, लोग मुझे पागल समझते हैं, आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। हाँ जो मेरा हाल है वो सब तुम्हारे बाप की वजह से है। तुम्हारे बाप ने गैर मुमालिक से रुपया बटोरा है और अपने ही वतन में तबाही मचाई है, असला मंगवाया, हीरोइन मंगवाई, हंगामे करवाए, उससे कोई कुछ नहीं कहता और तुम मुझे दरिंदा कहकर मुझ पर गोली चलाकर मुझे खत्म कर देना चाहते हो। खत्म कर दो, ठीक है खत्म कर दो, चलाओ गोली। आपकी सशक्ति और तरक्की जिंदगी से तंग आ चुका हूं, मैं अब और जिंदा नहीं रहना चाहता, मगर मुझे खत्म करने से पहले उन जमीन फरोशों को भी खत्म कर देना जिन्होंने इस सोनी धरती का सुख चैन लूट लिया है। हम बर्बाद किया है, हम बर्बाद किया है। ये मैं क्या सुन रहा हूं अली, ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सब कुछ सच है? अनवर साहब आप भी इनकी बातों में उल्टे सीधे बातें करते रहते हैं। हाँ हाँ मैं तो हर वक्त उल्टी सीधी बातें करता रहता हूं, मैं पागल हूं ना, लेकिन ये उल्टी सीधी बातें नहीं है, ये सच है। मेरी बीवी को शेख फारूक ने कत्ल कराया है, गब्बार की बीवी को शेख फारूक ने कत्ल कराया है और इल्जाम मुझ गरीब पर लगा दिए। मैंने तो नागुदा गुनाहों की सजा पाई है। हैरत है, लेकिन आखिर डैडी ने सब कुछ क्यों किया? मैं एक शरीफ और सीधा साधा इंसान था, उन्होंने मुझे रुपए का लालच देकर मुझे अपने साथ मिलाया
और लेकिन जब मेरे उसके उल्टे सीधे काम देखे तो मेरा जमीर जाग उठा, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने मुझे जेल में बंद करवा दिया और झूठे डकैती और कत्ल के इल्जाम मुझ पर लगाए। मुझे माफ कर देना बेटे, मैं जा रहा हूं, मैं अब और जीना नहीं चाहता, इस जिंदगी से तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है।
जगहों पे तुम ढूंढ रहे हैं, गिरफ्तार कर लो और ले चलो ले थाने में। लेके अबे कौन था, कहाँ गए, कौन है, किधर है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन नहीं, कब थे, कब थे, मैंने देखा ही नहीं, मुझे क्या पता कौन थे, पुलिस है थे, बुरे काम थी, हाँ बुरे काम का बुरा नतीजा, जाते जाते भी कहीं मेरे गमले, मैं तो गमलों को देखता हूँ भाई। अबे पहले क्यों नहीं बताया पुलिस आई थी, मेरे जान पहचान वाले हैं ना सब। तू क्या है यार, मुंह देख रही है खड़े मेरा, तुम्हारा नहीं देख रही, मेरा देख रही है। अच्छा साहब जी, डांट पे क्यों है जा रहे हमें, लो आजकल के मुलाजिम को देखो डांट। अपनी उम्र तो देखे बड़े मियां, देखा बड़े मियां, देखो बता मुझे बड़े में निकाह कर, बड़े में नियम पे खड़े क्या लगता हूं। बड़े अफसोस की बात है, बेचारी के दोनों भाई जेल चले गए। बड़ा बेचारे का, तुझे बहुत बड़ा एहसास है आपका, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या आपको अपनी बड़ी का एहसास नहीं था, तुमसे तो मैं बात में आगे निपटूंगा और बात की ऐसी तो वो तुझे याद करेगा। बात करेगा मेरी शादी की बात, अरे कब बनेगी शनाई, इतना सा काम भी नहीं हो सकता, कैसे हुआ ये सब। सेठ साहब आपके हुक्म के मुताबिक हमने इंस्पेक्टर के घर को आग लगाने वाले थे कि पीछे से फायरिंग हुई,